खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। नवादा जिला के रजौली में बाईपास में लोहा का दुकान युवक चलाता था। लोहा गोपी मोड़ से पिकअप गाड़ी से पहुंचकर आ रहा था, उसी क्रम में कर्मा बैरिया मोड़ के बीच में कोई अज्ञात बाइक सवार पिकअप में धक्का दे दिया। उसी बीच में ड्राइवर के साथ काफी नोकझोंक हुई। नोकझोंक होने के बाद मामला इतना बढ़ गया कि दीपू कुमार को गाड़ी से उतार कर कई लोगों ने जमकर मारपीट किया। इतना जमकर मारपीट किया कि दीपू को माथा और छाती में काफी चोट आने के कारण उन्हें परिजनों ने अनुमंडल अस्पताल रजौली में भर्ती कराया, लेकिन अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक ने उन्हें रेफर कर दिया। तब परिजनों ने पावापुरी अस्पताल में भर्ती कराया। दीपू को काफी चोट होने के कारण पावापुरी अस्पताल में भर्ती कराया गया, तब दीपू ने दम तोड़ दिया। दीपू अपने पीछे अपने माता पिता और दो भाई और बहन को छोड़कर चले गए। परिजनों का हाल रो रोकर काफी हालत दर्दनाक हो गया है। इस घटना से पूरा बलिया गांव में मातम छाया हुआ। इस घटना की सूचना मिलने के बाद रजौली पुलिस निरीक्षक सह थाना अध्यक्ष सुजय विद्यार्थी ने रजौली थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक निरंजन सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए नवादा सदर अस्पताल भेज दिया गया। नवादा से उपेंद्र राज की रिपोर्ट।